टुडे वी विल डू द चैप्टर सर्कल्स. सर्कल्स क्या होता है? एक लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स मूविंग इन द स्पेस सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट दैट इज कॉल्ड सेंटर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. तो इसको समझते हैं क्या बोला अभी, कि एक सर्कल जो होता है लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ये सारे उन पॉइंट्स का लोकस है जिनका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट दैट इज कॉल्ड सेंटर. एक्स वन कॉमा वाई वन अगर हमारे पास सेंटर है तो इस पूरे सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट के से इसका डिस्टेंस जो होगा ये फिक्स्ड होगा और उस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम आर कहते हैं. तो अगर देखा जाए इसकी इक्वेशन बनानी हो तो लोकस के लिए हम इसको जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अंडर रूट के अंदर रहता है डिस्टेंस, इज इक्वल टू रेडियस होता. अब स्केयरिंग बोथ साइड तो वील गेट द इक्वेशन एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्म ऑफ अ सर्कल. अगर हमें एक फॉर्म इस के फॉर्मेट में दी जाए तो हम उसका सेंटर और रेडियस बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ अ इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज ऑफ द फॉर्म एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो वी कैन इजिली फाइंड आउट दैट द सेंटर इज एट 2.3 एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4. वाई? बिकॉज दिस इज 16 कैन बी रिटन एज 4 स्क्वायर. नाउ वी कैन कंपेयर दिस विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल एक्स माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. फ्रॉम दिस वी कैन इंटरप्रेट दैट एक्स वन इज 2 एंड वाई वन इज 3 एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4. नाउ वी विल डू द जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है जो सर्कल रिप्रेजेंट करती है, जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशियंट नेसेसरी नहीं है कि वो 1 हो, बट द बेसिक कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड इज इट शुड बी सेम. एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कॉफिशियंट होना चाहिए सेम. मान लीजिए 4 होता तो हम सारी इक्वेशन को पहले 4 से डिवाइड कर देते हैं ताकि इस फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए. इससे हम सीधा इंटरप्रेट कर सकते हैं कुछ चीजें, कि जो सेंटर होगा दैट विल बी माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तो ये इससे कुछ हम आउटपुट्स लेने जा रहे हैं इक्वेशन से. इसी तरीके से एक्स इंटरसेप्ट होता है, इससे निकल सकता है ट्वाइस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी और वाई इंटरसेप्ट होगा ट्वाइस अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी. अब मैं आपको एक सर्कल की फॉर्म में सारी चीजें समझाता हूं कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या चीज है. सबसे पहले तो ये जब इक्वेशन हमें इस फॉर्मेट में दी जाए तो इसका जो सेंटर होगा ये होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ. मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट ही नहीं करता तो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू भी 0 आएगी और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू भी 0 आएगी. लेट अस टेक सम एग्जाम्पल जिससे हम एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट सेंटर रेडियस सब कुछ निकालते हैं. तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ सर्कल लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0. Now we can calculate its radius, its center, and maybe required x-intercept and y-intercept. जो जल्दी देखते हैं इसमें क्या निकलता है. ये आपको जब इससे कंपेयर करते हो x का कॉफिशियंट विद दिस तो आपको जो सेंटर है वो निकालने के लिए क्या चाहिए. x का कॉफिशियंट देखिए 2g के कंपेयर करना है बट हमारा जो सेंटर है वो माइनस जी है तो आपको क्या करना है इसका हाफ करना है और उसका साइन रिवर्स करना है. तो माइनस 4 का हाफ इज माइनस 2 और उसका साइन रिवर्स दैट इज 2. तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया सेंटर का. सिमिलरली वाई के कॉफिशियंट के साथ भी ऐसे ही. वाई के कॉफिशियंट कितना है माइनस 6, उसका क्या करो हाफ कितना आता है माइनस 3, माइनस 3 का साइन रिवर्स दैट इज 3. तो दिस इज अ सेंटर. तो आपको इसको कंप्लीटिंग द स्केयर मेथड से पहले सही फॉर्म या एक्स माइनस एक्स वन स्केयर वाई माइनस वाई वन स्केयर फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं है.
इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से आप इसका सेंटर निकाल सकते हो. देन वी कैन कैलकुलेट इट्स रेडियस. रेडियस विल बी अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस जी का स्क्वायर रहना है तो जी का स्क्वायर हो जाए, माइनस जी का स्क्वायर हो, स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ना. प्लस 3 का स्क्वायर माइनस सी. सी यहां पे क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ विच इज 5. तो अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 माइनस 5 तो विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रूट 8 विच इज इक्वल टू 2√2. तो ये आपके पास रेडियस भी आ गया, इट इज इक्वल टू 2√2, और सेंटर भी आ गया. इससे हमें दोनों चीजें यहां पे मिल गई. अब अगर मैं समझता हूं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालने हो तो वो कैसे निकाले जाए, तो एक पहले ग्राफ समझते हैं कैसे निकला था, डेराइव कैसे हुआ था, मैं डेराइव करके दिखाता हूं. मान लीजिए एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट करता है, तो यहां पे ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच की हमें लेंथ चाहिए, मतलब मॉड ऑफ ए बी हमें चाहिए. इट विल कम आउट व्हेन दिस इक्वेशन, इसकी डेरिवेशन करने जा रहा हूं. तो जब इसके डेरिवेशन में हम देखते हैं इन दोनों ही पॉइंट्स पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा. अगर ये इक्वेशन है तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू जीरो इक्वेशन बन जाए टू फाइंड दीज एक्स वन एंड एक्स टू. अब जो एक्स वन एंड एक्स टू है ये इसके रूट्स हैं, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, क्योंकि तो वही वो पॉइंट्स हैं जिनपे एक्स एक्सिस पे इसको कट हो रहा है. तो हमें जो एक्स वन प्लस एक्स टू की वैल्यू भी पता है क्योंकि दैट इज सम ऑफ द रूट्स, एंड एक्स वन इंटू एक्स टू भी पता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. तो यहां से इस इक्वेशन से मैं एक्स वन और एक्स टू अगर इसके रूट्स मानूं तो एक्स वन प्लस एक्स टू की वैल्यू है माइनस 2g बाय 1 दैट इज माइनस 2g, और एक्स वन इंटू एक्स टू की वैल्यू होती है सी, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया. पर ए बी की जो मतलब है, इसका मतलब है बी कॉर्डिनेट है एक्स टू कॉमा जीरो और ये है एक्स वन कॉमा जीरो. मान लीजिए एक्स वन एक्स टू से बड़ा हो सकता है तो हम यहां पे लेते हैं मॉड ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन. इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर माइनस 4x1x2, सो विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू होल स्क्वायर इज 4g स्क्वायर माइनस 4c, तो विच कम आउट टू बी 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी. तो यहां से आपको एक्स इंटरसेप्ट मिल जाता है. सिमिलरली अगर वाई इंटरसेप्ट आपको निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में y को y के अंदर इक्वेशन छोड़ देंगे तो उस केस में हमें y इंटरसेप्ट भी मिल सकता है. दैट कम्स आउट टू बी ट्वाइस अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी. तो मैं उसको सिर्फ आपको इंटरप्रिटेशन उसकी बता देता हूं, तो विद डेरिवेशन रिमेन द सेम. अगर ये सर्कल इस तरह से है और ये आपका y इंटरसेप्ट है तो y इंटरसेप्ट की जो वैल्यू होगी ट्वाइस अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी होगी. तो यू नीड टू रिमेंबर दीज रिजल्ट्स. नाउ वी विल डू द इक्वेशंस ऑफ सर्कल इन वेरियस फॉर्म्स. तो स्पेशल केसेस, फर्स्ट केस सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस को जब एक सर्कल टच करता है तो उस केस में इसकी डायरेक्ट इक्वेशन बनाई जा सकती है. अगर हमें सेंटर इज नोन, लेट द सेंटर बी एक्स वन कॉमा वाई वन. अब इसमें हमें रेडियस सेपरेटली नहीं चाहिए क्योंकि जो हमारा यहां से वाई डिस्टेंस होगा वही हमारा रेडियस होगा. व्हेन इट इज टचिंग एक्स एक्सिस द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सेंटर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो इक्वेशन कैन बी रिटन एज एक्स माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन होल स्क्वायर इक्वल टू वाई वन का स्क्वायर. तो रेडियस का स्क्वायर, यहां पे रेडियस बन गया है वाई वन. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस. नाउ लेट अस कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस को टच करने वाली इक्वेशन में जो सेंटर रिप्रेजेंट करेगा दिस इज एक्स वन कॉमा y1, जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा वही रेडियस के बराबर होगा. तो इस केस में इक्वेशन जो बनेगी x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वन स्क्वायर. तो वी नॉट नीड टू टेक द रेडियस एक्स्ट्रा देन दीज कोऑर्डिनेट्स. तो इन्हीं कोऑर्डिनेट्स से हमारा रेडियस निकल सकता है.
देन द सर्कल टचिंग बोथ द एक्सेस, टचिंग बोथ एक्सेस, जब दोनों एक्सेस को सर्कल टच करता है इज अ स्पेशल केस, तब जो इसका सेंटर होता है उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में हो सकता है x1, x1। इफ इट इज इन द फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, अगर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में सर्कल रहेगा तो ये कोऑर्डिनेट्स x1, -x1 रहेंगे। तो इस केस में इक्वेशन जो बनेगी x-x1 का होल स्क्वायर प्लस y- x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर, क्योंकि जो रेडियस भी होगा इसमें वो भी x1 ही होगा, चाहे आप दोनों एक्सिस से निकाल लीजिए, बट दिस इज ओनली पॉसिबिलिटी फॉर फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अगर यही केस हमारा रहता है सर्कल इन द सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट टचिंग बोथ द एक्सिस इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के लिए इक्वेशन है फॉर फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फॉर सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट अगर इन क्वाड्रेंट्स को देखा जाए तो जो सेंटर रहेगा वो x1, -x1 रहेगा, क्योंकि इसमें जो अगर कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 1 है तो y की -1 रहेगी, या यहां पे अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा जाए तो x अगर 1 है तो y इज -1, सेकंड क्वाड्रेंट में -1 अगर x होगा तो y विल बी 1। इस केस में जो इक्वेशन रहेगी x-x1 होल स्क्वायर प्लस y+x1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x1 स्क्वायर, तो दिस विल बी द इक्वेशन। इसमें जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाला है दैट द सेंटर ऑफ सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस इधर लाइज ऑन y इक्वल टू x लाइन और y इज इक्वल टू -x लाइन। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो न्यूमेरिकल्स में हमारे काम आएगा।